वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4 डेसिमल. ऑलरेडी यू नो दैट डेसिमल चैप्टर स्टार्टेड एंड लास्ट क्लास ऑलरेडी वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 ऑफ 4.4 ऑफ चैप्टर 4. 4.4 ऑफ चैप्टर 4. Okay, the first question, just see on the board. Rakesh purchased 3 books at rupees 35.60 each and 2 pencils at rupees 4.50 each. How much money did he spend? मतलब राकेश ने 3 book खरीदी है और 2 pencil खरीदी है, तो total money उसने कितनी spend कर ली? Cost of one book is 35.60 and the cost of one pencil is 4.50. So he spent on, Rakesh spent on 3 books. Books के ऊपर उसने कितने spend कर दिए? तो उसके लिए आपने देखा एक book की cost आपको दी हुई है 35.60. But he bought that 3 books means 3 × 35.60. Then you got your actual price he spent on book. Multiplication you have to 35.60 multiplied by 3. Already you know that 0, 6 is 18, carry 1, 5 is 15, 15 and 1, 6, and 9 and 1, 10. So answer is 106.80 he spent on that books only. Afterwards now he spent on that, Rakesh spent on पेंसिल के ऊपर उसने कितना स्पेंड किया? तो पेंसिल उसने क्वांटिटी 2 खरीदी है एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 4.50. देन मल्टीप्लिकेशन बोथ ऑफ दिस एंड यू गॉट योर आंसर 9.00 रुपीस ही स्पेंड ऑन द पेंसिल. ओके, सो टोटल इज स्पेंड, टोटल मनी यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दिस 106.80 plus 9.00, then you got your total answer 80 in the afterwards 0.6 and 9, 15 carry 1, 115.80. It means Rakesh spent total money 115.80. Okay, so take the screenshot and write in a notebook. If you are having any doubt, then you can ask, but I think this is too much easy. Only one notebook cost is given, one pen cost is given, number of notebook is 3 and the number of pen is 2. And find the cost and then add both of these. Okay, so take the screenshot. Okay, students. So the next second question is there. The length and breadth of a rectangular metal sheet is 4.6 and 2.4 meter respectively. If the cost of the metal is 2.50 per square meter. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. मतलब अभी इसने रेक्टेंगुलर की बात कर दी और रेक्टेंगुलर में क्या बात कर रही है? स्क्वायर मीटर. मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर फाइंड नहीं करेंगे बिकॉज पेरीमीटर मीटर और सेंटीमीटर में होता है, बट स्क्वायर मीटर में होता है इसका एरिया. सो वी नो दैट लेंथ ऑलरेडी गिवन, हाउ मच 4.6 मीटर एंड ब्रेथ इज 2.4 मीटर. So first you have to find out the area of the rectangle. तो बताइए अभी area of rectangle का formula क्या होता है? Anyone? Area of rectangle. Tell me what is the area of rectangle? Yes, very good. Length into breadth. Length into breadth. Then length is 4.6 and breadth is 2.4. ओके, सो लेंथ इन ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं कि 4.6 2.4 6 4 जा 24 कैरी 2 4 4 जा 16 69 2 18 ओके 6 2 जा 12 4 2 जा 8 एंड 1 9 4 0 इट मींस 11.04 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर एरिया, दिस इज योर एरिया. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट. Cost of metal sheet rupees 2.50 per meter square. Per meter square इतनी cost है. Total cost is
टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 11.04 मल्टीप्लाई 2.50, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट योर फाइनली आंसर। ओके तो 11.04 एंड 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे देन 0000 ओके 20 55 8 0 2 and 2 देन यू गॉट योर रिजल्ट, द रिजल्ट इज 0006 7 2 ओके तो द आंसर इज 276 000 बट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस पॉइंट आर देयर 1 2 3 4 सो द आंसर इज 27.6 rupees इन योर आंसर। ओके एनी डाउट, तो पहले हमने एरिया फाइंड कर लिया, आफ्टर वर्स उसका मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट कर दिया देन यू गॉट योर टोटल कॉस्ट। ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन नोटबुक। In the book, answer is written. In the book, answer is written 2760. This 20 is not written. Then this is also correct. And if you want to write, then 20 also, then that is also correct. Okay. Okay, students. Our next question, the third one. A car takes 3.5 hours to cover 210 km. How much time it will take to cover 918? किलोमीटर। सो कार ट्रेवल टेक्स सॉरी कार ट्रेवल इन ट्रेवल कवर इन या कवर लिख दो कवर इन 3.5 आवर्स कितने कवर करते हैं कार 210 किलोमीटर। सो कार कवर इन 1 आवर, सो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 210 by 3.5, जब इसमें डिवाइड दोगे देन यू गॉट डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी होगी आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके सो व्हेन यू गिव द डिवाइड एंड सी वन थिंग, हियर इज पॉइंट बट द फ्रंट न्यूमिनेटर इज नॉट हैविंग एनी पॉइंट, सो व्हेन यू विल रिमूव दिस पॉइंट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू विद न्यूमिनेटर। ओके सो 210 मल्टीप्लाई बाय 10 आफ्टर दस 30.5 मल्टीप्लाई बाय 10, so front answer is 2100 and 3.5 multiplied by 10 then you know that 35. Okay, so final answer, this is 6 time and then 60 kilometer, it means that car travel in 1 hour, cover in 1 hour 60 kilometer, ek ghante mein 60 kilometer travel kar legi wo, then the time taken, so then time taken for 918 किलोमीटर is 918 and divide by 60. Okay? इसके लिए जो टाइम आएगा 918 for 918 किलोमीटर is 918 divided by 60. तो इसमें इसका क्या करेंगे? Divide देंगे 918 divided by 60. One time, then 60. 1 3 and after plus 8. 6 बन जाए 6, 6 5 जाए 5 times 300 18 now point then 0 63 done. Okay so car will take 15.3 hours, how much hours 15.3 hours to take cover 918 kilometer. Okay any doubt, so this is the way to solve this type of questions. Sorry, one more zero is there, no? 15.8 10 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
20 में 60 का डिवाइड देंगे देन वी विल गेट योर आवर टाइम 15.3 आवर्स. ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक.
Okay, students. So the next fourth question. A bag of rice weighed 3.5 kg and a tin of milk weighed powder is 850 grams. Find the total weight of the three bags and 16 of milk powder. Okay. So we are given that the weight of one bag, weight of one bag is 3.5 kg. तो बताइए भाई राइस की कितने बैग्स हैं? थ्री बैग्स. देन वेट ऑफ थ्री बैग्स, थ्री मल्टीप्लाई 3.5. फाइनल आंसर इज 5 × 15 कैरी 1, 10.5 kg इज द वेट ऑफ टोटल दैट बैग्स. ओके, आफ्टरवर्ड द क्वेश्चन इज सेइंग द वेट ऑफ वन टीन इज हाउ मच? 850 ग्राम. द वेट ऑफ हाउ मच टीन? 16. देन 6 × 850, देन 0, 6, 5 × 30, 3. 8 × 48, 48, 51 grams. This is gram, but we have to change all answers in kg. The question is already written here. We have to change all answers in kg. So this is also kg, so we have to change in kg. So 1500 divided by 1000 divided by 1000, then you got 5.100 kg. Okay, so total weight. Total weight is, you have to add both of this, 10.5 kg plus 5.100 kg. So when you have to add both of this, then you got your answer 15.60 kg. Okay, so this is too much easy, like that first one also. So you have to take this screenshot and write notebook. Okay, student. So the next question is fifth one. Sheila measured the whiteboard with her hand span. Hand span का मतलब है इस side, इस type से हाथ की side से ऐसे measure कर लिया उसको hand span से board को. Okay. And find that the 28 hand span long board कितना long है? 28. इस type से जो है ऐसे ऐसे 28 hand span आ रहे हैं. And the length of the one hand span is 18.4 cm. What is the length of the whiteboard or board? So we learned that length of one hand span is, as you know, that 18.4 cm. Okay, so he measured total 28 hand span. So length of 28 hand span is 28 multiply 18.4. So you have to make the multiply of both, then you got your answer. 8 × 4 = 32, carry 3. 8 × 64, 60.3, 67, carry 6. 8 × 6, 14. 4 × 8, 6, 8 × 16, 1, 2 and 1, 3. 2, 8 and 5, 7, 15, 1, 11. Okay, but point is there, after one is, so the total length is 515.2 cm of the board. The total length of board is 515.2 cm. Okay, so the next question, see here, the weight of a carton of powder milk contains 24 tins. Ek powder milk ke carton ke andar 24 tins hai. The weight of each tin powder is 0.45 kg. एक tin powder का weight कितना है? 0.45 kg. Find the weight of 24 tin powders. Like this,
एक का वेट दिया हुआ है, 24 का वेट फाइंड करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दिस एंड यू गॉट योर आंसर. बट लैंग्वेज इज द वेट ऑफ वन टीन पाउडर इज 0.45 kg. देन द वेट ऑफ 24 टीन पाउडर इज 24 मल्टीप्लाई 0.45 kg एंड यू गॉट योर आंसर इन kg. ओके, सो द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन इज योर होम होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, आई थिंक यू कैन डू इट. ओके, एंड द 7th एंड 8th ऑल्सो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व. And if you solve, then it is good. And if you face the problem, then I will solve. Okay? So take the screenshot and write in your notebook. And this is our 5th question completed. 6 is your homework. Then 6 is definitely you have to make solve that 6th one. I will not solve 6th one. 6th one is too much easy, that's why. But 7 and 8, if you just try to solve, if you face a difficulty, then I will explain. Okay? So now take the screenshot of this question and today's class is over. Thank you.